जबरन छीनने का काम किया। जब भूमि अधिग्रहण बिल कानून के अंतर्गत जब मुआवजे की राशि 4 गुना सर्किल रेट के बाद भी देने का प्रावधान है, ये सरकार जबरन किसानों का जमीन कैसे ले सकती है? उसमें ये भी प्रावधान है कि किसानों से सहमति लिया जाए, जब तक 75% किसान सहमति नहीं दे देता तब तक उनकी जमीन को अधिग्रहित नहीं किया जा सकता। ये सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है, जबरन जमीन उनका अधिग्रहित करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। 256 रुपया वर्ग मीटर इन लोगों से जमीन लिया जा रहा है। सर्किल रेट यहाँ 5400 रुपए है। क्या ये किसानों के साथ धोखा नहीं है? कांग्रेस पार्टी इस धोखे को नहीं होने देगी। कांग्रेस पार्टी इस किसानों की लड़ाई में अपना समर्थन देने आई है और निश्चित रूप से ये लड़ाई सड़क पर भी होगी, सदन में भी होगी। 19 तारीख से आदरणीय ललितेश त्रिपाठी जी को, आदरणीय भगवती चौधरी जी को, यहाँ के जिलाध्यक्ष श्री कुमार पटेल जी को ये कहा जा चुका है कि 19 तारीख से यहाँ से पदयात्रा चलेगी और मिनी पीएमओ बनारस में घेरने का काम करेगी। जब तक किसानों को मुआवजा सर्किल रेट के हिसाब से 4 गुना अधिक नहीं मिल जाता, किसान संतुष्ट नहीं हो जाते। कांग्रेस इस आवाज को सदन में